गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, सलाम वालेकुम एंड प्रेज द लॉर्ड, जय श्री राम एक बार फिर से। क्योंकि भाई आप जब ये ब्लॉग देख रहे हो ना, तो जय श्री राम हो रहा है, जय श्री राम। भाई सॉरी यार, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि ना अपनी ना जिंदगी जो है ना, इतनी भगदड़ वाली जिंदगी है ना इस टाइम पे, इतनी भगदड़ वाली जिंदगी है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात कर तक मुझे प्यार करो, सॉरी मतलब रगड़ा जा रहा हूँ। तो यार इसलिए ना मैं कुछ ना कर पा रहा भाई। फाइनली मैंने कहा यार फाइनली आज ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज हम एक तो चंडीगढ़ जा रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ जाने से पहले आपको एक हस्ती से मिलवाते हैं। शायद होता है थंबनेल में आपने देख लिया हो, नोन हस्ती है भाई, हमारे बचपन के टाइम में तो एकदम मतलब बात थी भाई। और उसी के चक्कर में ना मैं बिल्कुल ट्रेवल भी कम कर पा रहा हूँ, ब्लॉगिंग बंद हो गई है और एक्टिंग शुरू हो गई है भाई। लेकिन अपन ये होने नहीं देगा, क्योंकि घूमना अपना पहला प्यार है, ठीक है। एक्टिंग इज जस्ट ठीक है, कर रहा हूँ, बट घूमने से मैं कभी भी उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी 26, 27, 28 जो लॉन्ग वीकेंड आ रहा उस दिन भी एक्टिंग शेड्यूल थी। मैंने कहा भाई साहब माफ कर दो, अपना ट्रिप आ रहा बहुत जबरदस्त अल्टीमेट वाला। और अच्छी बात यह है कि उस टाइम स्नोफॉल प्रेडिक्शन भी है और आज भी स्नोफॉल हुई है सुबह सुबह, तो यार मजा आने वाला है, मतलब एकदम एडवेंचर, बढ़िया बारबेक्यू, ओए होए होए यार क्या क्या करने वाले हैं, मस्त आग वाग जला के बर्फबारी में, ओए होए 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 स्वाद आएगा आप लोगों को बहुत। तो थोड़ा सा वेट करो और अभी आपको आगे का दिखाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट शो रखा हुआ है। सो आई एम वन ऑफ दी मतलब वहाँ पे यार क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटर क्या बोलेंगे, जज नहीं, जज भी नहीं बोलेंगे, फैसिलिटेटर भी नहीं बोलेंगे, बस यार एक जो थोड़ा सा मतलब है कि यहाँ पहुंचना है, वो वाली बात है बस। अब आप कुछ भी समझ लो कि वो क्या है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी सॉरी बड़े दिनों बाद ब्लॉग आया, अब कोशिश रहूंगा, क्योंकि यार एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो होपफुली शायद एक हफ्ते में आ जाएगी। अगर वो आ जाएगी ना, तो मैं बहुत ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, बहुत ट्रेवल करने वाला हूँ। वो है 5 days a week बैंकिंग, होपफुली शायद वो जल्दी अप्रूव हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास वो जो है पड़ा हुआ है। ओ बेटे स्मार्ट लग रहा है। तो DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास ये प्रपोजल पड़ा हुआ है, जो कभी भी ओके आ सकता है और जल्दी आने वाला है सुनने में, ठीक है जी। फिर खूब घूमते हैं, खूब करेंगे ट्रैवलिंग, खूब करेंगे ब्लॉगिंग, मौज मस्ती बाहर। सॉरी बाय, सी यू। लो भाई अपन पहुंच गए मस्त एकदम, यहाँ थोड़ी देर लगाएंगे और फिर फटाफट भागते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पे भी जरूरी था और जो भी था मतलब आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। लो जी ये देखो जी, ये हमारे सर राजीव सर ने बढ़िया एकदम जिमनी ले ली है और इसकी जो है मॉडिफिकेशन हमारी जिम्मेदारी है। अभी इसमें हम टायर वायर चेंज कराएंगे, यहाँ पे क्लैट लगवाएंगे और बहुत कुछ होगा इसमें यार। और गाड़ी तो है ही ज़बरदस्त, कलर बहुत ज़बरदस्त है, स्पोर्टी लुक है, अल्टीमेट है भाई। और ये बाय डिफॉल्ट ऑल ग्रिप है, फिर इसमें एक राइड भी मार के आएंगे। सर ने मेरे को बोला है कि हम लोग इकट्ठे उत्तराखंड जाएंगे। भाई देखो वहां लग रहा था बहुत टाइम और अपने पास इतना टाइम था नहीं, क्योंकि अपने को क्या पहुंचना है टाइम सिर्फ। खैर राहुल राय साहब आ गए थे बट मैंने उनको वो नहीं किया, वो अपनी यार वेब सीरीज में है ही है, ऐसी कोई टेंशन नहीं, उनसे तो मिल ही लूंगा। अच्छा उन्होंने बताया नहीं था वो वेब सीरीज में अपने साथ ही है। तो भाई अपन चल पड़े चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ की तरफ। अब आपको चंडीगढ़ का मस्त रास्ता दिखाते हैं। मुझे पता मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, जैकेट बहुत अच्छी लगती है मेरे में, बरसाती जैकेट। दो मैंने दो नई जैकेटें ले ली है, लेकिन फिर भी भाई साहब अपनी फेवरेट है यार ये, अपन फिर भी ये डालता है। कल आपको दूसरी जैकेट दिखाते हैं। सेक्स समस्या, ओहो गुप्त रोगी मिले, जीवन सुख, क्या क्या हो रहा है भाई साहब दुनिया में, और जो हो रहा है वो हो रहा भाई। आज टाइम नहीं है, कसम से मिल के जाता नहीं तो अपनी डार्लिंगों को। ये देखो अपने इनकम टैक्स ऑफिसर सारे खड़े हैं मस्त। ओ बेटे पीछे पीछे सूरज भी था भाई, वो देखो चल चल के आ रही भाई, पूरा गैंग आ रहा आज तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स। भाई इसकी गाड़ी फंस गई यार। यार मैंने बताया नहीं आपको कि मैं चंडीगढ़ क्यों जा रहा हूँ। चंडीगढ़ में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि छोटे भाई को ना थोड़ी सी चोट लगी है पैर पे, वो वैसे ही थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है, तो
इसलिए यार थोड़ा एक बार देख आता हूँ कि क्या है क्या नहीं, उसका थोड़ा इलाज कराता हूँ मैं जरा, मतलब ठीक है देख के आ जाता हूँ, मिल के आ जाता हूँ। वैसे इज फाइन। ओए होए नीतू हो गई काली, ओए होए नी हो गए नौ पंताली। भाई मेरे को अभी भी याद आया कि आज है शनिवार राती यार, शनिवार राती। पहले मैं थोड़ी सी रम पी जाती, ठंड है यार थोड़ी हल्की फुल्की, प्यारा प्यारा लवली 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 वन और टू बस, और फिर फरार। ये लाइटें बाइटें सी आ रही है भाई, माफ कर देना यार, आई एम सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। मतलब माता जी से मिलेंगे उसके बाद जो है लवली लवली। करनाल पहुंच गया हूँ भाई और 6:30 हुए हैं, तो यहाँ से 2 घंटे टाइम लगना चाहिए अगर 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 जीरकपुर वाला जाम से मैं बच जाऊँ तो, अगर नहीं तो मगर। बेड़े बेड़े चलते चलते भाई 4 घंटे, नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ 3.5 घंटे हो गए भाई, और अभी 1 घंटा 1 मिनट का रास्ता हो रहा है, बहुत टाइम हो गया भाई। और शनिवार को ना बस ऐसा होता है कि फटाफट से ना कूदता कूदता पहुंच जाओ, जैसे वो हिरण कूदता कूदता पहुंचता ना भाई, वो वाली फीलिंग आ रही है सर। बाकी ट्रिप की बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत टाइम हुआ है ट्रिप नहीं किया यार, वेरी वेरी लेट यार, गोइंग वेरी लेट फॉर द ट्रिप। बीबी बीबी डसिंग बीबी कॉलिंग भाई, बेहतरीन तरीके से चीरते हुए सारी दिक्कतों को सारी परेशानियों को भाई मस्त पहुंच गया भाई। 4 hours I just did it। पता मैंने क्यों किया, मोटिवेशन क्या थी, ये शनिवार राती मैं थोड़ी थोड़ी पी जाती भाई, पंचकूला पहुंच गया। क्या मैंने लक्ष्य पाया है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, और लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, दारू का गिलास हिलाना है। इट इज ऑल मोटिवेशन मोटिवेशन, मोटी बोतल हाथ में हो तो मोटिवेशन होती है भाई साहब। चलो यार घर चलते हैं, माता जी को मिलते हैं, माता जी से आपको मिलवाते हैं, थोड़ी हंसी खुली करते हैं, और फिर उसके बाद तो फाइनली पहुंच गए अपने घर। अब माता जी से मिलते हैं और थोड़ी देर जो है अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत वाली, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। वैसे तो शनिवार रहती है, पर देखते हैं। की कह रहे हो, की कह रहे हो, नहीं क्या की रेसी, शनिवार रात मैं नींद नहीं आती, शनिवार रात को मुझे नींद नहीं आती, शनिवार रात मैं नींद नहीं आती, माता भी सिक्की साड़ी, माता को भी सिखा दिया, शनिवार रात मैनू नींद नहीं आती, मैं नहीं सोती, बिल्कुल नहीं सोती, लेकिन मम्मी को नींद आती, मम्मी 9 बजे सो जाती, मम्मी 9 बजे सो जाती और सुबह 5 बजे उठती, मैं सुबह 9 बजे सोती, हाँ मैं सुबह 9 बजे सोती। तो चलो जी, ये ट्रिप जो है बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट था, जो काम था वो बहुत ज्यादा पर्सनल था, इसलिए मैं ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाया, किसी काम से आया था, बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया था। हाँ। तो माता जी को करते हैं बाय बाय, सी यू, ओके ओके ओके, जिंदे रहो, लंबी उम्र होवे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और शनिवार रात शनिवार रात को नहीं सोती, नहीं नहीं मैं नींद नहीं आती, शनिवार रात को मेरे को नींद नहीं आती, मैं नहीं सोती, मैं संडे को सोती, 12 बजे तक सोती, आज मैं उठा भी बड़ा लेट था संडे, मैं 12 बजे उठती क्योंकि मैं संडे को नींद नहीं आती,
राइट तो करते हैं मम्मी को बाय बाय, और अभी दो हफ्ते बाद फिर से आना है, एक शादी है उस पे आना है, मिलते हैं, सी यू, ठीक है ठीक है। तो भाई अपन कर रहे हैं अपना रिटर्न शुरू, और भाई मौसम इतना कातिलाना है ना यार, इस मौसम को देख देख के ना बार बार एहसास हो रहा है कि अपना 3-4 दिनों के बाद बहुत मस्त ट्रिप शुरू होने वाला है, और मौसम 99% ऐसा ही रहने वाला है, और इनफैक्ट स्नोफॉल आगे और होने वाली है शायद हाई पीक्स पे। तो यार बहुत एक्साइटेड है और बहुत मस्त जबरदस्त अल्टीमेट मजा आने वाला है। या थोड़ा सा ना जुकाम वुकाम हुआ है, रास्ते में रुकते कहीं यार कॉफी पियेंगे अच्छी सी ब्लैक कॉफी, और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। अभी 4:30 बजे हैं, 9-9:30 तक पहुंच जाऊंगा भाई, अगर ये जाम ज्यादा देर नहीं रहा तो। आपको नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई जाम ही जाम लगा हुआ इस टाइम, खतरनाक वाला जाम, जीरकपुर तो अब इतना हैवी हो गया ना यार कि क्या बताया जाए, यहाँ तो फसफसाहट से ही निकलते हैं लोग। तो यार अभी मैं मतलब ड्राइव कर रहा था, हाथ पास अपने को फोन आ गया, अपने को शूटिंग लोकेशन में पहुंचना है, वहाँ शूटिंग चल रही है अपनी वेब सीरीज की, दो आज मेरा शूट नहीं है लेकिन वो मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि आज राहुल राय भी आया हुआ है, उसके साथ शूट चल रहा है कुछ, एक अपनी जबरदस्त वेब सीरीज आ रही है यार, प्यार चाहिए सबका बहुत बढ़िया वाला। और अपने को क्या है, एक अमेजोन प्राइम ओरिजिनल से, जो अमेजोन प्राइम आप अगर OTT देखते हो वहाँ से भी कुछ अपने को आया है यार, तो भी वो डिस्कस करना है, मतलब अलग चीज़ हो रही है यार आपने साथ में, साला पता नहीं था आप एक्टर भी है भैया, क्या भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, दिन हो गए, कल तो साली मैंने रात को दवाई भी पी ली, तो भी साला ना जुकाम नहीं जा रहा, जुकाम हो रखा भाई, ठंड भी बहुत पड़ रही है भाई, ठंड तो तेज पड़ रही है इस बार कुछ भी बोलो, इसलिए मैंने कहा यार मैं टांग टक लेता हूँ, 3-4 दिन जो है बिल्कुल सही रहने का, तभी ट्रिप पे एंजॉय होने का, नहीं तो नहीं होने का, बहुत जरूरी होने का। ओ ये देखो भाई, मस्त इनकम टैक्स ऑफिसर नोट गिनते हुए, मजेदार, जय हो इनकम टैक्स ऑफिसरों की। वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाएगा पैसे देंगे, जय हो जय हो, खुश रखे मालिक, दे जाओ अयोध्या, बड़ा बड़ा दिन है, खुश रखे मालिक, जिंदगी लगाए, अच्छा सा शगुन दे जाना कुछ, ये लो लाओ, अब तो जान दे यार, उनको दे दिया, माफ दे दे, आगे आ जागे, ये ले, तो भैया ये थे इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया पर आपने सुन लिया होगा, दुआएं देंगे भाई। तो आगे बढ़ते हैं अपन, करनाल टोल क्रॉस कर रहे हैं, बस पानीपत टोल इसके बाद ही है, और मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अपन पहुंच जाएंगे सीधा सेट पे। लवी अपन पहुंच गए सपनों के शहर दिल्ली में, दिल्ली के सपनों के शहर में आपका स्वागत है। लो भाई अपन आ गए फेमस हनुमान मंदिर करोल बाग में, और यहाँ पे हम फाइनली किसी से मिलवाते हैं आपको, या मिलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई क्या है, कुछ तो है। तो जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सर के पास, हनुमान मंदिर। हाय सर, हाउ आर यू? हाय सर, हाउ आर यू? हाय सर, जय श्री राम सर, जय श्री राम सर, कैसे सर? ऑल वेल, ट्रिप वेल, थैंक यू वेरी मच। तो फाइनली राजीव जी के जरिए से मैं फाइनली हनुमान मंदिर भी आ ही गया हूँ आज, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यार राहुल सर के साथ हम जो है मंदिर की थोड़ी सी सफाई करेंगे। Okay.
यार फाइनली मेरे को मौका मिल गया प्रॉपरली इस मंदिर को देखने का। ये मंदिर नीचे सब लोग आते हैं, ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं, तो देखते हैं यार। ऑल थैंक्स टू राजीव सर एंड अरविंद सर। अरे वाह, जय हो, जय हो, जय हो। ओ वाओ, ये ऐसे ओपन होता है ऐसे होंगे ना, ऐसे होंगे ना, ये ओके खुलेगा तो ये मुंह पे राम जी का दर्शन कराया है। ओके, फेमस प्रोडक्शन अरविंद जी, इनकी वजह से मतलब मैं यहाँ पे आ गया। राहुल सर के साथ हमने यहाँ पे बहुत भी बड़े अच्छे दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्रभु के थैंक यू, थैंक यू, प्रभु की इच्छा थी तो हम आए हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच सर, बोला ऑल थैंक्स यू। तो भैया बचपन में जो हमने मतलब रोमांस जो किया है ना, वो राहुल सर की मूवीज देख के किया है, मतलब राहुल सर की मूवीज से इंस्पायर होकर किया है। मतलब इतना ज़्यादा वो टाइम था जब वो क्रश होता था, इन्फेक्चुएशन होती थी। तो गाने कौन से आते थे जहन में? दिल का आलम क्या बताऊं तुझे, वही सब है यार। अच्छा रहा तो भाई, फाइनली हमारा जो छोटा मोटा प्रोपोजल एक वीडियो वीडियो था वो सारा शूट हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। और अब जो है हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। यार बचपन में ना जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब भी हमें मतलब एक आशिकी वाली फीलिंग आती थी तो मतलब दिल में जो जहन में जो गाना आता था, अगर तो मान जाती थी तो आता था कि अब सर वो गाना बड़ा फेमस था आपकी आशिकी मूवी का, सासों की जरूरत। जब मान जाती थी तो सासों की जरूरत है कैसे, अगर नहीं मानती थी अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तो ये थी कहानी हमारी तो बचपन की। तो सर के साथ मजा आ गया यार, टू डे यार, इट्स मतलब ऑसम फीलिंग, ऑसम फीलिंग।